नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाइंखा। नजर डालते हैं खबरों पर। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में मोहला पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हुआ भव्य स्वागत। पहली बार मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता का स्नेही अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोहला में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में 41,83,23,000 रुपए के 66 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 4,99,79,000 रुपए के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बोलिए भारत माता की। ये मजा नहीं आतेगा इतना बड़ा संख्या में। वो पीछे तरफ तो कोई आवाज करत नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और आप मन बड़े आत्मीयता के साथ में हमर स्वागत करे हो ओकर लिए आप सब मन के बहुत बहुत आभार। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिलाए हो। 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट, एकर ले भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। कल हमर ये छत्तीसगढ़ सरकार के 3 महीना पूरा हुई से 13 दिसंबर 2023 के हमन शपथ ले रहे। कल 13 मार्च 2024 के 3 महीना पूरा हुई से एकर लिए भी आप सबला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और जैसा मैं कहत रहे कि मोदी की गारंटी में आपन विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए हो, तो अभी ये सरकार के मात्र 3 महीना हो इसे 90 दिन। और ये 90 दिन में ही बहुत बड़े बड़े काम हमन छत्तीसगढ़ में करे हन। एक तो आज यहाँ 40,83,00,000 रुपया के विकास काम के भूमि पूजन और शिलान्यास करे हन। एकर लिए पूरे जिलावासी के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप मल्ला ये मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमर यशस्वी प्रधानमंत्री कहे रहिन कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में जो गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहीस, अपन हक से वंचित हो गए रहिन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते मोलाप मोला अवगत कराते हुए गौरव हो थे कि 13 दिसंबर के हमन शपथ लेहन और 14 दिसंबर के दूसरे दिन ही पहला कैबिनेट बुला के 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन। अगले महीना से सबके प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगी। हमर छत्तीसगढ़ में जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था होगी से 12,000 करोड़, लेकिन जो केंद्रांश होते केंद्रांश चूंकि पहले पैसा देना पड़ते तो अब अप्रैल में वह पैसा मिली नया वित्तीय वर्ष में, और 18,00,000 के प्रधानमंत्री आवास बनना अगले महीना से चालू हो जाएगी। उसने हमन ये वादा करे रहन कि 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहिस। हमर जब 15 साल के सरकार रहिस तो 2 साल के बोनस नहीं दे पाए रहन, तो वादा भी हमारे इस मोदी की गारंटी में। और आप मोला बताते हुए मोला हर्ष होते कि 25 दिसंबर
जो हमर छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होते जोन ला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, तो दिन दो साल के बोनस दे के काम भी हमन करे हन। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बकाया बोनस भेजे के काम करे रहे। यहाँ भी काफी किसान मन है, सबके मिले हुई एक बार हाथ उठावा तो कौन कौन के बोनस मिली से, बहुत जनला मिली से। ओकर बाद 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो रही से, ये वादा ला भी हमन पूरा करें। और इस साल बम्फर धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हमन करे हन, 145 लाख मीट्रिक टन। और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देह के बात हो रही से, एमएसपी भारत सरकार दे थे वो किसान मला पहले मिल चुकी से, लेकिन अंतर की जो राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल, तो ऐसा 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे रहीन, तो मन के खाता में अभी 12 तारीख के 13,320 करोड़ रुपया उमन के अंतर के राशि उमन के खाता में भेजे हैं। आप सबके खाता में पहुंची से कि नहीं पहुंच गई से ना, तो ये काम भी करे हन, कोई मामूली काम न है। 13,320 करोड़ रुपया देना एक मुश्त, ये भी बहुत बड़े काम है। महतारी बंधन योजना के बात करे रहे, महतारी बंधन योजना के काम भी शुरू होगी से 10 तारीख के। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअली जुड़ के हमर छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमर महतारी मन के आशीर्वाद देके वहीं से बटन दबा के पहला किस्त 1,000 रुपया के भेजे के काम हमर प्रधानमंत्री जी करीन, तो महतारी बंधन योजना के भी काम शुरू होगी से। मैं यहाँ काफी संख्या में हमर माता बहनी मन है, मैं आश्वस्त करत हूँ कि अब हर महीना आप मन के खाता में 1,000 रुपया ही, हर महीना 1,000 रुपया ही। रामलला दर्शन योजना भी हमर मोदी के गारंटी में छत्तीसगढ़ के जनता से वादा रही, वो काम भी शुरू होगी से। अभी 2 टन ट्रेड हमन भेज चुके हन, 5 तारीख ला रायपुर से एक ट्रेन अयोध्या भेजेन, और अभी 11 तारीख के दूसरा ट्रेन बिलासपुर से गई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में छत्तीसगढ़ के राम भक्त मल्ला एक पूरा ट्रेन सरकारी खर्चा में अयोध्या ले जाए के काम करी। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर रामलला के दर्शन के साथ साथ वहां काशी विश्वनाथ बाबा के भी दर्शन करा के और रेल हर लानी, तो ये कामला भी हमन शुरू कर देहन। और अभी तेंदू पत्ता जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में हरा सोना के नाम से जो जाना जाते, आय के एक बड़ा साधन होते, काबर की हम मैं भी सरगुजा संभाग के हूँ, तो क्षेत्र में भी भारी मात्रा में तेंदू पत्ता होते, तो तेंदू पत्ता के पिछला सरकार 4,000 रुपया तो कर दे रही, लेकिन कई ठन चरण पादुका योजना। छत्तीसगढ़ में 4 वर्ष बाद खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अलग अलग खेल श्रेणी में प्रतिभावान 133 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। 411 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। इस दौरान समारोह में बलिदानी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे और बलिदान कौशल यादव की माता जी का सम्मान किया गया। राज्य खेल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आग्रह अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, और अब अवसर है मंच पर उपस्थित शहीदों के परिजनों के सम्मान का, उन्हें शॉल भेंट कर सम्मान किया जाएगा। माननीय
मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा शहीद विनोद चौबे जी की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना चौबे जी मंच पर हैं, उनके सम्मान के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के मदनवाड़ा जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते हुए जाबाज पुलिस अधीक्षक शहीद विनोद चौबे जी और उनकी टीम ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इसके साथ है शहीद राजीव पांडे जी, उनकी माता जी शहीद कौशल यादव जी की माता जी हमारे बीच मंच पर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। दुर्ग जिले के वीर सपूत कौशल यादव ने सन 1999 कबीरधाम जिले के खिलाड़ी हैं श्री संजय जांगड़े वुशू खेल के, इनका सम्मान प्राप्त करने के लिए इनके भाई मंच पर, और इसके बाद हैं श्री विशाल शुक्ला जांजगीर चापा के खिलाड़ी पैरा जूडो। श्री विशाल शुक्ला आगे बढ़ते हुए जांजगीर चापा जिले के ये खिलाड़ी हैं पैरा जूडो के खिलाड़ी, और इसके बाद हैं श्री राजेश दुर्ग से कराटे के खिलाड़ी। आगे बढ़ रहे हैं श्री राजेश दुर्ग जिले के कराटे के खिलाड़ी, और इसके बाद शहीद पंकज विक्रम सम्मान वर्ष 2020-21 के लिए हम आमंत्रित करते हैं कुमारी दिव्या पटेल को दुर्ग से बॉल बैडमिंटन के लिए। कुमारी दिव्या पटेल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रभात सेठ। कुमारी दिव्या पटेल दुर्ग से, और प्रभात सेठ महासमुंद से हैं, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं प्रभात सेठ। इसके बाद आमंत्रित हैं कुमारी नेहा जायसवाल कोरबा से बेसबॉल के लिए। कुमारी नेहा जायसवाल कोरबा से हैं, बेसबॉल के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री परमदीप कौर की माता श्री आ रही हैं। श्री परमदीप कौर जी की माता जी आमंत्रित हैं दुर्ग से रोल बॉल के लिए, सम्मान ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आर देवांशी बिलासपुर से टेबल टेनिस के लिए। कुमारी आर देवांशी बिलासपुर से टेबल टेनिस के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है, 25,000 रुपये की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री सागर घटगे रायपुर से टेबल टेनिस के लिए ही। श्री सागर घटगे रायपुर से टेबल टेनिस के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी जे सुधा। समय अभाव के चलते माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने दूसरे निर्धारित कार्यक्रम के लिए जाना पड़ रहा है, तो लेकिन कार्यक्रम लगातार यहां पर संचालित है। सम्माननीय अतिथिगण जो मंच पर हैं उनके करकमलों से सम्मान दिया जाएगा। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने अपना समय दिया और वे यहां पर युवा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आए थे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रमन सिंह जी भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते। देखिए, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो हमारे प्रदेश के जो शहीद लोग थे उनकी यादगार में राज्य खेल अलंकरण अवार्ड का शुरुआत किए थे, जो पिछले 5 साल बिल्कुल बंद रहा। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तो इस अलंकरण समारोह को फिर प्रारंभ किए हैं, और आज 2 साल के जो भी प्रतिभा हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।
मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज वैश्विक नेता हैं, प्रधानमंत्री आम लोगों के नेता हैं, वहीं कांग्रेस के पास आज न नियत है और न ही नेतृत्व। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उनका कोई टिकट देने वाला नहीं है, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता, जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, कांग्रेस के 6 प्रत्याशी नकारे लोग हैं, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारेगी। आज कांग्रेस के हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं है, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। 6 प्रत्याशी जो दिए हैं कांग्रेस ने, वे जनता से नकारे गए लोग हैं, जनता ने जिन्हें छोड़ दिया, रिजेक्ट किया जनता ने, ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारेगी। 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893999132।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182, और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई, मोबाइल नंबर 8815536954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर, त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मॉर्निंग विजिट के दौरान 42 एवं 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फिल्टर प्लांट के लैब में पहुंचकर केमिस्ट से चर्चा करते हुए पानी में पाए जाने वाले तत्वों और टर्टिबिटी की जांच को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। दुर्ग कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा मॉर्निंग विजिट के दौरान 42 एवं 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर भी मौजूद रहे। उन्होंने फिल्टर बेड, एरिएशन चेंबर, वॉश वाटर एवं फिल्टर प्लांट के अन्य स्थानों में पहुंचकर जल शुद्धिकरण के लिए अपनाए जा रहे पूरे कार्यों का अवलोकन कर संपूर्ण प्रक्रिया को समझा। जल शुद्धिकरण की प्रत्येक विधि का जायजा लेते हुए नगर पालिका निगम क्षेत्र के हर वार्डो में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किए। बाहर टैंक बना हुआ है।
जो टीबीएस वाली चीजें रहती है, जो बड़े साइज की चीजें रहती है, वो तो आपके संपर्क के ही जो इंटेक्वेल है, हमारे पास एक कार्य है6 से 9 के बीच में आपका सुबह का मॉर्निंग टाइम शाम को भी हम 6 बजे से 8 बजे तक बाकी 45 कम पानी लेकर के आप यूज करते हैं, तो जैसे आप ज्यादा पानी लेकर देंगे तो उसकी ये है, तो आपके फिल्टर का कोई इशू नहीं है, बस पानी की आवक कम है तो इसलिए कम दिख रहा है। इस दौरान फिल्टर प्लांट के लैब में पहुंचकर केमिस्ट से चर्चा करते हुए उन्होंने पानी में पाए जाने वाले तत्वों और टर्बिडिटी की जांच को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। नगरपालिका निगम क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलता रहे, इसके लिए जल कार्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य में जुटी हुई है। कहीं भी विशुद्ध पानी न पहुंचे, इसके लिए पानी सैंपल जांच के साथ ही सभी जोन क्षेत्रों में रैंडम जांच करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिल्टर प्लांट में शिवनाथ नदी से आने वाले पानी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर के सैंपल तक प्रक्रिया का अवलोकन किया। जल शुद्धिकरण के इस्तेमाल में उपयोग होने वाले क्लोरीन, ब्लीचिंग एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की जानकारियां ली। वाटर टेस्टिंग लैब में पहुंचकर संधारित पंजियों का तिथि अनुसार अवलोकन किया। इस दौरान रीचा कलेक्टर प्रकाश चौधरी ने आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं निगम अफसरों के साथ मॉर्निंग विजिट के दौरान रायपुर नाका ओवरब्रिज के सामने जीरो वेस्ट सेंटर एवं वार्ड 60 एवं 21 सिंधिया नगर पहुंचकर नालियों की साफ सफाई और सड़कों की व्यवस्था देखी और कार्यों का जायजा लिया और साथ ही नाली एवं सड़कों की सफाई को निरंतर करने के निर्देश दिए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम जब से राजनगांव प्रत्याशी के रूप में सामने आया है, तब से लगातार बघेल लोकसभा क्षेत्र राजनगांव के प्रवास पर हैं। पूर्व सीएम खैरागढ़ के दिवंगत राजा देवरथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले थे, लेकिन पूर्व विधायक स्वर्गीय देवरथ की मूर्ति अनावरण का विषय आते ही खैरागढ़ राज परिवार की तरफ से नया विवाद सामने आया है। स्वर्गीय देवरथ की पत्नी रानी विभा सिंह ने मूर्ति अनावरण कार्यक्रम पर रोक लगाने खैरागढ़ कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। रानी विभा सिंह का आरोप है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्गीय राजा देवरथ सिंह की प्रतिमा व गार्डन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मैं लेट राजा देवरथ सिंह की पत्नी इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वर्गीय राजा देवरथ सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए हैं मात्र, उनको इस तरह से पीड़ा देना उचित नहीं है कि जिन राजा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया था वो उस पार्टी में थे नहीं, और वो अजीत जोगी जी की पार्टी से
लास्ट टाइम पे विधायक थे और वैसे ही वो इस दुनिया को छोड़े, वो कांग्रेस में वापसी नहीं किए थे और न ही कांग्रेस से उनको बुलाया गया था, बल्कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था क्योंकि पार्टी में उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। और अब उनका अनावरण करके उनके लास्ट ईयर उनके भूमि पूजन में भी उनके परिवार को, मतलब उनकी किसी भी मृत पर्सन के मूर्ति आवरण में उसकी पत्नी को तो एक बार पूछा जाता है और कि कहाँ पे लगाएं, या किसी भी तरीके का कोई कंसर्न लिया जाता है, जो कि कुछ भी नहीं किया गया। और साथ साथ में हमको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। और मैं नहीं समझती हूँ कि ये राजा साहब के हित के लिए किया जा रहा है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और उनके फेस को आगे करके सिर्फ चुनाव और वोट कलेक्ट किया जाएगा। उनके जिंदा रहते उनको वो महत्व तो नहीं दिया गया, जो उनके जाने के बाद उनको एक तरीके से एक शब्द हम बोलेंगे कि उनको बुनाया जा रहा है। और ये इस चीज से मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि उनके साथ, मेरे पति के साथ ये बहुत गलत किया जा रहा है कि उनको इस तरह से किसी भी वो उस शहर में हमारा एक रेपुटेटेड फैमिली है, बट उनकी मूर्ति को सड़क के किनारे रख दिया गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने इस चीज को बोला भी, किसी ने सुना नहीं। सेकेंडरी उनको मूर्ति को बनाने के वक्त एक बार तो वाइफ से पूछा जाता है कि क्या चीज होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं पूछा गया। तो ये सब पॉलिटिकल दांवपेच है, इसमें देवव्रत सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये सब एक अफवाह कि उनके लिए कुछ पार्टी करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आगे आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी बातों को सुने और मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता, उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठेकेदार की 400 बीसी से परेशान महिला सफाई कर्मचारियों ने FIR दर्ज कराने के नाम पर लंबे इंतजार के बाद न्यूनतम वेतन की लड़ाई लड़ रही महिलाओं को मिला न्याय। आम आदमी पार्टी ने दुर्ग बघेरा की 52 महिलाओं को सिविल सोसाइटी के माध्यम से न्याय दिलाकर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया। गौरतलब है कि प्रेस से चर्चा के दौरान आपके नेताओं ने बताया कि ये मामला वर्ष 2018-19 का है। राजनाथ गांव के ठेकेदार बल्लू राठौर ने BSP के स्कूलों के साफ सफाई झाड़ू पोछा का कार्य का ठेका लिया था और 52 महिला सफाई कर्मियों को 5,000 रुपए की वेतन पर अपने यहां काम पर रख लिया था। इसके बाद प्रतिमा 2,500 रुपए नगद देता रहा, बाकी 2,500 रुपए बिल पास होने पर देने की बात कहा और बाद में घुमाता भी रहा, जिसे ठेकेदार की 400 बीसी से परेशान महिला सफाई कर्मचारियों ने FIR दर्ज कराने के नाम पर लंबे इंतजार के बाद न्यूनतम वेतन की लड़ाई लड़ रही महिलाओं को आज न्यायालय से न्याय मिला है, जिसमें लगभग 4 साल के बाद 1 मार्च को माननीय न्यायालय ने ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने का दुर्ग कोतवाली को आदेश दिया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्लियर कट एक धोखाधड़ी का मामला था, इसमें 52 महिलाएं जो दुर्ग बघेरा के निवासी थी, इन्होंने BSP स्कूल में झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम किया। ठेकेदार ने इनसे 5,000 रुपये महीने देने का वादा किया था, लेकिन 2,500 रुपये देने के बाद में वो आगे बाकी पैसा दिया नहीं। इस प्रकार 7 महीने बाद में जब इन्होंने छोड़ा तब 17,500 रुपये ठेकेदार की तरफ उनका बकाया था, लेकिन ठेकेदार ने धोखाधड़ी किया, इनके अकाउंट खुलवाकर उसमें से पैसा ATM अपने पास रखा और अपने उसमें से निकाल लिया। अब जाकर कोर्ट में इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश पास हुआ है। BSP स्कूल में 52 महिलाएं काम करने के लिए सफाई कर्मचारी, 52 महिला काम करने के लिए जाते थे तो ठेकेदार ने बोला था कि वेतन के लिए 5,000 दूंगा ऐसे करके, तो हम लोग को 5,000 नहीं दिए, 2,500 हम लोग के हाथ में धरा दिए और उसके बाद बोला, हम लोग बोला कि सैलरी का पैसा दे दो सर ऐसे करके, तो बोला कि मैं जब बिल पास होगा तो दे दूंगा, अभी बिल पास नहीं हुआ है ऐसे करके रोक दिए। तो हम लोग 7 महीना काम किए और 7 महीना काम करने के बाद हम लोग को हटा दिए थे, तो हम लोग छोड़ दिए थे कि हम लोग का पैसा भी नहीं दे रहा है तो कैसे काम करेंगे, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे तो 2,500 में थोड़ी खो जाएगा ऐसे करके हम लोग छोड़ दिए थे। तो उसके बाद हम लोग श्रम विभाग गए, श्रम विभाग पार्टी की एक संस्था है सिविल सोसाइटी, उसके सदस्यों के द्वारा सबके द्वारा महिलाओं BSP स्कूल में साफ सफाई
झाड़ू पोछा का एक ठेका राजनांदगांव के ठेकेदार बल्लू राठौड़ ने लिया था और उसने उन महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की, लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, 5,000 रुपए मौखिक उनको वेतन देने की बात की और 2,500 रुपए नकद दिए, 7 महीने तक काम करवाया, बाकी 2,500 रुपए उसने उनको नहीं दिए बल्कि उनके साथ उन्होंने एक षड्यंत्र किया, उनके अकाउंट खुलवाए और उनके एटीएम अपने पास रखे, अकाउंट में मिनिमम वेज डाल करके 9,000 डाल करके एटीएम से निकाले, अकाउंट नांदगांव की बंधन बैंक में खुला, यहाँ कर्मी आकर के खुद यहाँ पे अकाउंट खोला उसने, और इससे ये प्रमाणित हो पाया कि उसने नांदगांव में अकाउंट में पैसे डाले और नांदगांव के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। इसके लिए महिलाएं श्रम विभाग गई, वहाँ धक्के खाई उन्होंने, पुलिस विभाग के पास गए, भूषण एक्का जो थाना प्रभारी कोतवाली थाना प्रभारी थे उन्होंने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके इस मामले को रफा दफा किया। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इसका जिक्र किया है कि उन्होंने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके इनको प्रताड़ित किया और मामले को रफा दफा किया, इन्होंने 155 काट के दिया, पुलिस अहस्तक्षेप योग्य मामला जिसमें प्रार्थी के सिग्नेचर नहीं है, सोचो। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, आईजी महोदय को शिकायत की, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई भी परिणाम नहीं निकला और हार करके हमको माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। लगभग 4 साल की ये यात्रा रही न्याय पाने के लिए, अब जाकर के 1 मार्च को माननीय न्यायालय ने इन मजदूर महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया और अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में लंबे समय से स्थापित अवैध दुकान को आज दुर्ग निगम ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई किया। इस दौरान दुकान की एक महिला ने निगम पर पैसे के लेन देन का लगाया गंभीर आरोप, वहीं पर पूछताछ में लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्ग राजेंद्र पार्क के सामने काफी लंबे समय से संचालित अस्थायी रूप से संचालित कपड़ा बाजार को हटाने के लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा नोटिस दिया गया था, परंतु कई बार नोटिस देने के बाद भी दुकान को संचालित किया जा रहा था। वहीं नगर निगम द्वारा अंतिम नोटिस देने के पश्चात नगर निगम अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नोटिस के परिपालन हेतु अस्थायी रूप से संचालित दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। अरे निगम में एक महीने से नोटिस बोल रहे हैं, एक महीने से कब देगा नोटिस, ये एक तारीख का गिराव है सर आपके आने के बाद, आप 21 तारीख को आए थे, एक दो का गिराव है, 9 बुकिंग मांगे, एक भी मांग को नहीं किया गया, कल भी गया थी बात, कब देंगे ये 60 गुमटी जो दिया गया, 60 गुमटी को 1.5 लाख रुपए का एक गुमटी है, नगद में दिया गया, कैसे दिया गया, प्रशासन कहती है कि सब तो ऑनलाइन होना चाहिए ना, 1 रुपए का काम ऑनलाइन ये नगद में देखिए हो गया, पूछो ना आप 1 घंटा 2। इस दौरान दुकान को हटाने से रोकने के लिए महिला और पुरुष ने मशीन के आगे जाकर अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही संचालित दुकान की महिला द्वारा नगर निगम प्रशासन के पूर्व बाजार अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई बार दुकान संचालक के लिए रकम पहुंचाई गई है, उसके पश्चात भी आज नगर निगम के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुर्ग कार्रवाई में पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मशक्कत करते देखा गया, साथ ही इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार तक करना पड़ गया। बता दें नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में बुलडोजर से तीनों दुकानों का कब्जा तोड़ा गया। इस दौरान SDM मुकेश रावटे, अतिरिक्त तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, उपायुक्त मोहेंद्र साहू, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, नायब तहसीलदार ढाल सिंह बिसेन सहित पद्मनापुर थाना पुलिस मौके पर शामिल रही।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।